देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये उस समय की बात है जब गांव के अंदर लाइटों के साथ साथ सड़क की कोई ज्यादा सुविधा नहीं थी। हमारा खेत हमारे घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था और मुझे भी कई बार अपने खेत के लिए निकलना पड़ता था। हमेशा की भांति आज भी मैं अपने खेत पर गया हुआ था और इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा था और इस महीने में फसलों की कटाई की जाती है, जिस कारण हम देर रात तक काम करते रहे। और बाद में पापा ने बताया कि वो आज रात खेत में निवास करने वाले हैं। उन्होंने मुझे खेत से सीधा घर जाने को कहा और मैं भी तुरंत निकल पड़ा। लेकिन निकलने से पहले पापा ने मुझे सावधान करते हुए कहा, अरे बेटा थोड़ा संभल कर जाना, आजकल गांव कुछ ज़्यादा ही कयामत में है। पापा की ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। आज से पहले उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि तुम संभल कर जाना, मगर मैंने इस बात को अपने दिमाग से हटा दिया। मुझे ठीक से तो नहीं पता लेकिन शायद उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और गर्मियों के मौसम में रात का वक्त भी कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। हमारा खेत सुमसान और वीरान इलाकों से गुजरते हुए एक ऐसे स्थान पर पड़ता था जहाँ पर लोगों को उनकी अंतिम यात्रा करवाई जाती थी, जिसे लोग शमशान घाट के नाम से भी जानते हैं। और इस वक्त में उस शमशान घाट के बीचों बीच चल रहा था। चारों ओर छोटी मोटी झाड़ियाँ और साथ ही पतले पतले पेड़ पौधे उगे हुए थे जो उस वक्त काफ़ी डरावने लग रहे थे। लेकिन मैं आराम से उस रास्ते को काटता हुआ शमशान घाट से निकल गया। तब जाकर मेरे दिल को एक राहत की सांस मिली, मगर किसी के कदम उठाने की आवाज़ ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। हालांकि मेरे अंदर डर का कोई नामो निशान नहीं था, पर मैं अपने पीछे की तरफ पलट कर देखता रहा लेकिन मुझे वहाँ पर सिर्फ वो वीरान रास्ता ही दिखाई पड़ा। अपने आप को अकेला पाकर कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान को डर लगना भी एक सामान्य सी बात थी और मुझे भी थोड़ा थोड़ा खौफ तो महसूस हो ही रहा था। 4 किलोमीटर की दूरी तय करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यहाँ से निकलना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तेज तेज चलते हुए उस रास्ते को काटता हुआ गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में मुझे अपनी दादी का खेत नजर आया जिसके अंदर मुझे आग जलती दिखाई पड़ रही थी। उस आग को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो वहाँ कोई मौजूद है। अभी मैं उस आग की तरफ देख ही रहा था कि अचानक एक जोर धमाके ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण मैं उस धमाके हुई चीज की ओर देखने लगा। दरअसल वहां पर एक बड़ा सा खंभा बना हुआ था और उस खंभे के ऊपर लगातार आग जल रही थी। पहले तो मुझे उस खंभे के ऊपर कोई भी नजर ही नहीं आया। बाद में जब वो आग की गति थोड़ी धीमी हुई तो एक आदमी उस खंभे के ऊपर बैठा हुआ था जो मेरी तरफ हल्की हल्की मुस्कान दे रहा था। फिर मैं भी उसको घूरने लगा और वह आदमी दिखने में काफ़ी हद तक अजीब लग रहा था, क्योंकि एक आदमी बिजली के खंभे पर चढ़ने की हिमाकत भला कैसे कर सकता है और वो लगातार मेरी तरफ मुस्कुरा क्यों रहा होगा। यही सब सोचते हुए मैं वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात कोई मुझे अपने पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, अरे बेटा वहाँ आग लग गई है, जल्दी आ जाओ। आवाज़ को सुनते ही मैं अपने पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन चारों ओर जोरों की आग लगी हुई थी। वह आग धीरे धीरे इस कदर फैलने लगी मानो अब यह विकराल रूप लेने वाली है। मैं वहाँ पर जोर जोर से आवाज़ देने लगा लेकिन 2 किलोमीटर के उस दायरे में सिर्फ सुनसान पड़ी जगह थी, जिस कारण मेरी आवाज़ किसी इंसान के कानों तक पहुँच पाना लगभग नामुमकिन थी। और जब मुझे लगा कि मेरा यहाँ पर रुकना एक पल के लिए भी ठीक नहीं है तो फिर मैं भागता उस जगह से निकलने लगा, मगर आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। दरअसल मेरा पांव एक गहरे गड्ढे में पड़ा जो सच में बहुत ही गहरा था और उस गड्ढे में गिरने की वजह से मेरे पांव की एक उंगली में एक जोरदार मोच आ गई जो बहुत ही दर्दनाक थी। मैं किसी तरह अपने पांव को घसीटते हुए वहां से निकल ही रहा था कि कुछ लोगों के बीच हड़बड़ी मचती हुई नजर आने लगी। दिखने में तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि 10 से 12 लोग इधर से उधर अफरा तफरी मचाते हुए मुझे नजर आने लगे और उन्हें देखकर ये पता लगाना बेहद आसान था कि वह उस आग की वजह से बहुत ही ज़्यादा डरे सहमे हैं। मगर एक बात जो मुझे बार बार हैरानी की गहराइयों में लांग रही थी वो ये थी कि उस इलाके में चारों तरफ कोई इंसान की मौजूदगी नहीं थी, इसलिए 10 से 12 लोग अचानक ही कहाँ से आ टपके। और इसी बात को अपने दिमाग में बैठाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं चलते हुए उस आग की तरफ जा सकूँ, क्योंकि हमारा गांव वैसे भी भयानक हादसों के लिए काफ़ी मशहूर माना जाता है। क्योंकि अक्सर हमारे गांव के लोग बताते हैं कि यहां पर भूत प्रेत का वास होना
एक आम बात है, लेकिन आज तक मैंने इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा तक नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान उन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक उसे कहां पर उन पर विश्वास होता है। मेरे साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। मुझे भी इन अनोखी शक्तियों में इतना विश्वास नहीं था, जिस वजह से मैं चुपचाप अपने रास्ते को काटता हुआ गाँव की तरफ बढ़ रहा था। यह खामोशी आने वाले बड़े खतरे का संकेत भी बन सकती थी। और जब मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा कि क्या अभी भी उस जगह पर आग लगी हुई है, तो इस बार मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब वहां पर कोई नहीं था, ना कोई बिजली का खंभा और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान। यानी कि अब तक मैंने जिस मंजर को देखा था, असल में वह भूतों की दुनिया थी। और अब मेरे अंदर भी खौफ का खून बहने लगा। अब मुझे तो यकीन हो चुका था कि पापा बार बार मुझे क्यों संभलने का सुझाव दे रहे थे। खेतों की इस खौफनाक दुनिया के दर्शन करने के बाद मैं भागने लगा, ताकि मैं जल्दी से जल्द अपने घर पहुंच सकूं और अपनी जान बचा सकूं। तकरीबन आधा किलोमीटर तक मैं तेज तर्रार रफ्तार के साथ भागता रहा, लेकिन बाद में मेरी सांसें फूलने लगी, जिस वजह से अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कदम और तेजी से पटक सकूं। और फिर मैं थक हार कर एक पेड़ की घनी छांव वाले क्षेत्र में बैठ गया और मैं वहीं आराम करने लगा। लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था जो मुझे डरा सके, और इतने में ही उस पेड़ के ऊपर से कुछ चिपचिपा सा गिरने लगा। लिहाजा मैं उसे ठीक से देखने के लिए चांद की रोशनी में गया, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि लाल रंग का ये खूनी था। फिर मैंने उस पेड़ के ऊपर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर किसी की लाश लटक रही थी, जो दिखने में बेहद ही खौफ से भरपूर थी। मैं तो उसे देखकर दहशत का असली चेहरा देख रहा था। और वो लाश कुछ ही देर के बाद ही एक हल्की सी ऐवली मुस्कुराहट देने लगी, और फिर मैं अपने कदमों को धीमे धीमे पीछे की तरफ हटाने लगा। उस लाश को फांसी देकर लटकाया गया था। देखने में वो कोई औरत लग रही थी, और मैं जल्दबाजी करते हुए वहां से भागने लगा और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन मैं ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाया, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ज्यादा देर तक रनिंग कर सकूं। लिहाजा मैं थक हार कर एक बार फिर अपने कदमों को धीमे धीमे पटकने लगा। अब चाहे मैं कितनी भी तेज गति से चल सकूं, लेकिन उतनी जल्दी घर नहीं पहुंच सकता जितनी जल्दी वह आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई थी। और फिर अचानक ही हवा का एक झोंका इधर से उधर भटकने लगा। उस समय हवा का वेग काफी तेज था, जिस वजह से धूल के कुछ कण मेरी आंखों में पड़ने लगे। मैं भी हिम्मत जुटाते हुए एक लाइट के करीब पहुंच गया, और उस लाइट के पास पहुंचने के बाद मैं अपने आप को सेफ महसूस करने लगा। और फिर कुछ देर तक मैं अपनी सेफ्टी का वहम लेकर उस लाइट के पास ही खड़ा रहा। मगर समय बीतने के साथ ही अब मुझे एक बार फिर हल्का हल्का डर सताने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीरान जगह पर खड़ा रहना भी बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मैं फिर से भगवान का नाम लेकर वहां से तुरंत ही निकल गया। उस दिन मैं अपनी जान बचाकर घर तो लौट गया, लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। रात के तकरीबन एक बजने को आए थे, और अब मैं अपने घर के आंगन में अपनी खटिया पर सोया हुआ था। उस दिन मेरे अंदर डर की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसी बीच आधी नींद में इंसान को किसी को चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दे तो उसके अंदर क्या बीत सकती है। यह तो वही जान सकता है जो इस खौफनाक दौर से गुजर रहा हो। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं चाहकर भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मेरे आसपास भटकने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि ऐसी कयामत है जो मेरे ऊपर काफ़ी पहले से अपना कहर बरपा रही है। मैं हड़बड़ाहट से अपने पास मौजूद पतली चादर को उठाते हुए मैं अपनी मम्मी के पास पहुंचा, और मम्मी के पास पहुंचने के बाद मैंने उन्हें पूरी बात बताई। पहले भी मैंने अपने साथ हुई पूरी घटना का जिक्र किया था, लेकिन मेरी मम्मी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। खैर, किसी तरह वो रात कट गई। मगर जब सुबह हुई तो हमारे घर के सामने आंगन के अंदर एक खटिया के ऊपर जिस पर मैं सो रहा था, उसके ऊपर एक बिल्ली की कटी फटी लाश नजर आई। उस लाश का नज़ारा देखने के बाद मेरा दिल दहल उठा। दरअसल उस लाश के अलग अलग टुकड़े हो चुके थे, और उसका मांस भी उस खाट के ऊपर पूरे तरीके से बिखरा हुआ था, और वो लाश की बदबू हमारे पूरे घर में फैल चुकी थी। पापा ने किसी तरह उस बिल्ली की लाश को घर से बाहर निकाल दिया, मगर बदबू अभी भी छाई हुई थी। उस दिन मेरा पूरा शरीर बुखार के मारे तप रहा था। इतनी तेज बुखार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया, जिस कारण आज मेरा पूरा शरीर टूट सा चुका था। जब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मेरे साथ हुए इस डरावने और भयानक हादसे के बारे में बताया,
तो वह मुझे गांव के एक ओझा के पास लेकर पहुंच गए। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं जोर जोर से रोने और चीखने लगता, मानो कोई मेरा बदन बुरी तरह से नोच रहा है। लेकिन बाद में जो उस ओझा ने बताया उसे सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि मेरे ऊपर किसी नॉर्मल भूत का नहीं बल्कि एक जिन्नात का साया है। जिन्नात का नाम सुनते ही हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसका खौफ हमारे गांव में अक्सर बरकरार ही रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि एक बार जिस इंसान के ऊपर इस शक्ति का साया मंडराने लगता है तो उस इंसान को बेहद ही जल्द अपनी जिंदगी खोनी पड़ती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ बहुत ही जल्द साबित होने वाला था। उस ओझा ने हमारे घर के सामने मौजूद एक झाड़ी के नीचे एक हवन करने का बेहतरीन सुझाव दिया, जो पूर्णिमा की रात को होने वाला था। पूर्णिमा की रात बहुत ही जल्द आसमान में गूंजने वाली थी, या फिर ऐसा कहें कि बहुत ही जल्द वो शुभ मुहूर्त आने वाला था जब अच्छाई और बुराई दोनों के बीच भयानक वार छिड़ने वाला था। हवन से पूर्व सभी लोगों के अंदर खौफ भरा पड़ा था कि उस हवन के दौरान कोई काली शक्ति उनके ऊपर अटैक करने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस वक्त मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, और बाद में जब मेरी आंखें खुली तो उन सभी ने बताया कि मेरे अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुएं की ज्वाला बाहर निकल रही थी और उसके साथ ही उस हवन की समाप्ति हुई। खैर, आज इस घटना को बीते तकरीबन 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं ठुक पाई कि रात के समय मैं उस खेत का सफ़र काट सकूं जो सालों पहले मेरे दिल और दिमाग में एक भयानक अनुभव को बैठा चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।